आज दिल्ली में आने वाले सबसे बड़े खतरे की दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक हो गया है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इसमें भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। ईपीसीए को मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 29 और 30 नवंबर को हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। दरअसल इसकी वजह एक बार फिर वही पराली को बताया जा रहा है। नासा की रिपोर्ट में उपग्रह से जो चित्र मिले हैं उससे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पंजाब और हरियाणा में किसान फिर फसलों के अवशेष जलाने लगे हैं और वही स्थिति दोबारा बन सकती है जैसी कुछ दिनों पहले बनी थी। नवंबर जो दिल्ली वासियों के लिए खतरनाक हो सकता है, उस दिन जो पॉल्यूशन लेवल है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच सकता है, ऐसा पूर्वानुमान है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि 29, 30 और 1 दिसंबर को हालात जो है काफी बदतर होंगे, क्योंकि अभी से ही हवा की जो स्पीड है वो कम हो रही है और 29 से लेकर के 1 तक आपको दिल्ली की हवा काफी परेशान करेगी, दम घोटने वाले होगी और जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में भले ही तमाम सरकारी एजेंसियां आपकी सेहत का ध्यान नहीं रख रही हो, लेकिन आप इन 3 दिनों के लिए कमर कस लें। कैमरून अवधेश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राजधानी की हवा में पीएम 2.5 के कणों का स्तर अभी भी खतरनाक ही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक एक दिन पहले आनंद विहार इलाके में दोपहर 3:30 बजे हवा में पीएम 2.4 का स्तर 624 था और शाम 6 बजे पीएम 10 का स्तर 877 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगर हवा का रुख पूर्व या दक्षिण की तरफ होता है तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। ये दिल्ली में जो प्रदूषण है, मैंने ग्राउंड लेवल में प्रॉब्लम है हमारा जो ग्राउंड लेवल में जितना एक्टिविटीज करना चाहिए था हम लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को तो अलर्ट होना पड़ेगा और जो भी ग्राउंड लेवल में एक्टिविटीज है वो हमें लगातार जारी रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि हम कितना लोकल पोल्यूशन में कमियां ला सकते हैं।